यार मुझे ना अभी रियलाइज हुआ है, मैं ये मेरा एक छोटा मोबाइल भी टूटा फूटा है, मतलब वो कॉल वगैरह के लिए। तो मैंने अभी रियलाइज किया है कि ये चार्जिंग हो रहा है बगैर लीड लगे। जरा मैं आपको भी दिखा। हेलो जी, बाल थोड़े खराब है, 2 मिनट में मैं। स्टाइल है बाबू भैया राजू का। तो हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। तो यार पहले ना मैं थोड़ा सा सो के उठा था, तो मुझे पता नहीं था मैंने बाल भी बना लिए, तो मैंने ऐसे बोला तो पता है यार आपका भाई लोग, आपका भाई सादा सा बंदा है, मैं कोई ऐसे समझ लो ना। तो यार आज के दिन बहुत ही, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के दिन हमारा लगने वाला PTC। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई। क्योंकि 2 दिन से मैं इंटरनेट नहीं चला पा रहा था, इंटरनेट से महरूम था, तो ऐसे ही समझ ले कि वीडियोस भी नहीं अपलोड हुई। मैं एक दो वीडियोस है पेंडिंग पे, लेकिन बस वो आज इंटरनेट जैसे ही लगता है ना, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तो लग चुका होगा, लेकिन जब आप पिछली वीडियो देखेंगे ना तब समझिएगा लग गया, ठीक है ना, बस लग गया। तो चलिए फिर अभी देखते हैं वो भाई कब आता है। PTCL में दरख्वास्त तो परसों दे दी, सैटरडे को, तो आज है मंडे। उसने कहा था भाई मंडे को आके लगा देंगे, तो भाई नेट हमारा लग गया ना भाई, काम बन जाना है, हमारा कमाल का काम बन जाना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है। कल इसको हुआ है बुखार 2-3 दिन से, बहुत सख्त इसको बुखार हुआ हुआ था, तो कल ये किया है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए। कहते मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे, समझ रहा समझ रहा। तो आज फिर इसकी छुट्टी छुट्टी, कल भी छुट्टी। ये तो बुखार है, चल निकल रहा बच्चों, मैं तो कल स्कूल छोड़ के आऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यार आप लोग देख सकते हो कि मैंने जी कपड़े शेपड़े चेंज कर लिया। तो भाई साहब भाई जो मौसम है ना, इतना आउट क्लास बना हुआ है ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो भाई मेरी जूती किधर है, अभी मैं आपको भाई मौसम दिखाता हूँ, क्या कमाल का बना हुआ है यार, मजाक के अलावा क्या कमाल का बना हुआ है। भाई ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चेक कीजिए, चेक करो, हल्की हल्की हवा चल रही है, ब्लैक बादल ठीक है, इस साइड ब्लैक बादल ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता कि अभी मैं नहाए हूँ फिर से, क्योंकि धूप हल्की हल्की है, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी नहाए हूँ फिर से ऊपर धूप में जाऊँ, इसलिए मैंने आपको नीचे से ही दिखा दिया। तो यार हमारा बेचारा कंप्यूटर चेक करो यार, यहाँ पे भी गंदी इग्नोर मारना, क्योंकि जब मेरा कंप्यूटर नहीं चलता उधर गंद ही गंद होता है। और हाँ अभी आप अच्छी दिखा आ गया ना भाई अपने पुराने स्टाइल में। तो यार आज के व्लॉग में बेशक बने रहिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको मेले पे ले जा रहा हूँ, जिधर भाई फुल झूले होंगे, सर्कस वगैरह होगी, शेर वगैरह सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसी व्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। हाँ हाँ हाँ, लाइक करके ना उसके साथ एक शेयर का बटन होता है, अपने दोस्तों कजनों वगैरह में ना बिल्कुल शेयर कर देना, पहली फुर्सत में निकल। और सब्सक्राइब तो लाजमी जाहिर सी बात करना ही है, फिर बेल आइकन भी दबा देना है। तो चलिए आइए फिर कोई सीन बनता है तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। यार मुझे ना अभी रियलाइज हुआ है, मैं ये मेरा छोटा मोबाइल भी टूटा फूटा है, मतलब वो कॉल वगैरह के लिए। तो मैंने अभी रियलाइज किया है कि ये चार्जिंग हो रहा है बगैर लीड लगे। जरा मैं आपको भी दिखा, ये देख लो, ये देख सकते हो आप, ये कोई जादू नहीं है, ये देखा ये ऐसे पड़े बंद हो गया, कोई जादू नहीं है, अब देख लो आप ना, इसका ब्लूटूथ चार्जर है भाई, खुद ही चार्ज हो रहा है यार, पता नहीं ये उसी से, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कमेंट्स ऑन है, कर दिया करो कमेंट, जो भी दिल में आ रहा बोल दिया करो गालियों के अलावा। अभी मैं ना अंदर बैठ के ना व्लॉग एडिट ही कर रहा था कि मैं बाहर मतलब पानी पीने आया, तो देखा भाई क्या खतरनाक मौसम बना हुआ है भाई, अमेजिंग। ओहो अब मैं आपको मौसम बताता हूँ, इस साइड भी ब्लू है, फोकस फोकस, ठीक है ना, इस साइड भी ऐसे ही है, मतलब जिधर बादल नहीं है, इस साइड भी हल्का हल्का ऐसे है, और हल्की हल्की धूप भी है,
बारिश हो रही है भाई, बारिश तेज होगी। भाई नीचे गर्मी में ऐसे तप रहा था, मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई सीन बन जाए। अभी मैं ना उठ के नहाना ही लगा था कि बारिश स्टार्ट हो गई। अब दिल तो मेरा ये है कि बारिश में नहाया जाए, ये खतरनाक। तो मुझे नहीं लगता बारिश ज़्यादा देर रुकेगी, गीले होने का फ़ायदा फिर। चलो नीचे चलते हैं फिर, नहाते ही हैं। मैं तो कहता हूँ छोड़ो बारिश हो, सारे काफ़ियाँ देखो रुक भी गई। क्या बारिश, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ तकरीबन थोड़ा बोल दिख रहा है। तो हम आ भाई सब अच्छी अच्छी चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो झंडे वगैरह फ्लैग वगैरह लहरा रहे हैं वो आपको। 2000 years later. तो यार आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये व्लॉग मैं उस मतलब जिस दिन सर्कस पे मतलब मेले पे जाना था उससे 2 दिन पहले शूट किया था, और ये अब 2 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न। 2 दिन के लिए मेला बंद हो चुका था, जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी तो 2 दिन के लिए मेला बंद हो गया था। चल झूठा, क्यों हुआ था? अब ये तो फिर उनकी मर्जी है ना, तो क्यों हुआ था। और भाई साहब माशाल्लाह सॉरी, तो आज भाई साहब जुम्मे मुबारक का भी दिन है। अभी देख सकते हैं, अभी नहा धो के फ्रेश हो के अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में जुम्मे के लिए। तो यार सुभान अल्लाह क्या मौसम है भाई, इतनी गर्मी होती थी ना, आज मौसम नहीं बन गया। मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार प्रॉपरली। आप कह रहे हो कि जल्दी दिखाओ यार, भाई झलक तो देख ली होगी, रुको ना, वेट तो करना पड़ता है ना। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी दो मिनट रुको। तो यार देख सकते हो वाह क्या सीन है भाई, कितने डार्क ब्लैक बादल है। तो वो जो सामने वाला घर है ऐसे क्रिस्प मतलब सही बिल्कुल नजर आ रहा, मतलब नजर तो पहले भी आता है यार, नजर तो पहले भी आता है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ब्लैक चीज के सामने एक वाइट चीज लग खड़ी हो, कुछ ऐसा ही सीन है भाई। आज जो सी होनी है ना, मुझे लगता है कोई खतरनाक किस्म वाली बारिश। और हाँ आज हमने जाना है मेले पे भी, बस दुआ करो बारिश तेज ना हो। हमने जाना है 5 बजे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन, जुम्मे मुबारक का भी दिन है माशाल्लाह से। तो आज होंगी दुकानें बंद भी होंगी, तो जो दुकानें बंद होंगी तो दुकानें शॉप्स वाले जाएंगे मेले पे जी। तो हम जाएंगे 5 बजे, 6 बजे वाली हम सीट बुक करा देंगे वहाँ पर, वो जो शो वगैरह होता है उसके लिए। तो वो 6 से 9 बजे तक शुरू होगा, तो उसके बाद से कोई सीन मतलब समझ रहे ना, 6 से 9 बजे तक होगा वो शो। तो फिर देखते हैं, अगर बस दुआ करो आज तेज़ बारिश ना हो, हल्की हुई तो अभी चले जाएंगे, लेकिन तेज़ हुई तो भाई साहब कोई सीन हमारा जो सा है ना, प्लान जो सा है ना बड़ा ख़राब हो जाना है। तो आप इस साइड कर दो यार, अब सही दिख रहा होंगे ना, हाँ अब सही दिख रहा हूँ। तो माशाल्लाह अच्छी हवा भी चल पड़ी है भाई, खतरा। तो चलिए अभी हम जुम्मा पढ़ते हैं, तो उसके बाद अगर मतलब उसके बाद खाना शाना खाते हैं, खाना शाना खा के बाद आज, हाँ हाँ आपको बताना था, आज हमारे साथ जा रहे हैं मेले में अब्दुल्ला जा रहा है, एक अली जा रहा हो, शायद साथ जैन भी हो, वो जो लेजेंड जैन आपको एक वीडियो में दिखाया था। मैं तो उसे जैन मतलब लेजेंड जैन मैंने सेव किया हुआ था, क्योंकि यार वो बंदा आदत ही उसकी वजह से। तो यार तो छोड़ो उस लेजेंड को, जैन है, हाँ जैनुल आबिदीन उसका पूरा नाम है। तो आज उसको भी मिलाएंगे साथ, तो शायद ही कह तो रहा था मैं फ्राइडे को फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगा। चलिए फिर अभी चलते हैं। तो यार अभी मैं ना छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके नीचे ही आया था भाई, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं चेक करो यार, चेक करो, नज़र तो कौन नहीं आ रहा अब, आई थिंक चेक कर सकते हो, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई भाई, तौलिया तो डाले। यार अभी मैं ना तकरीबन सो गया था आधा एक घंटा, तो अभी हम उठे हैं, तो अभी तकरीबन हो रहे हैं 6 हो गए, तो अभी हम चलते हैं साथ, तो दोस्तों को भी मिलाते हैं और फिर चलते हैं अपना मेले पे। करो यार ज़रा सी बारिश हुई है और हालात वाक़यात। यार
फाइनली हमें ना सबने ज्वाइन कर लिया, ये अली है, ये इसका भाई है, और ये हेलो 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 इग्नोर मार रहा है बंदा भाई हमें, क्या कर सकते हैं। और वो छाट मेरा छोटा दोस्त है, ओ सॉरी भाई है मेरा। तो अभी हम मिलके जा रहे हैं भाई साहब, फुल मेले पे मौज मस्ती करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का मेला है ना भाई। आज लेट ही आना, इसने दो दिन डिले करवाया था, कहता मुहर्रम की वजह से उन्होंने बंद करवा दिया। मिल के चलेंगे मैंने कहा, लेकिन इससे पहले भी शायद मैं कोई नहीं पहले गया, ऐसे झूठ बोल रहा है। सच बोलो, सच बोलो। तो चलिए अभी चलते हैं हम आगे। पहुंच चुके हैं मेले में, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी भाई साहब, बहुत कुआं छुआ सब चल रहा है, आपको सब दिखाऊंगा आज। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ मेला है। यहाँ पे भाई जी थोड़ी सी बारिश हुई हुई है और भाई साहब पानी फुल भरा हुआ है। अभी आओ भाई, जल्दी करो। चलो ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ये देख लो कुछ यहाँ पे, ये इधर कुछ एनिमल्स वगैरह है, सामने धूम इंटरनेशनल सर्कस है, और उधर सामने मौत का कुआं है। आवाज यहाँ पे नहीं आ रही होगी, बहुत शोर है ना। और ये कश्ती वाली है, और वो थोड़ी रेल है बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी हम चलते हैं आगे के, तो देखते हैं टिकट वगैरह लेते हैं इंटरनेशनल घूम इंटरनेशनल सर्कस की, टाइम भी होने वाला है तो इसलिए। अभी हमारा छोटा सा एक पोपट हो चुका है, हमें 6 बजे का कहावा था, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं 7:30 बजे शुरू होगी, 7 बजे एंट्री टिकट्स लेंगे देंगे, तो उसके बाद 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं टाइमिंग इन्होंने कुछ ऐसी नहीं की है, हो रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं, अभी कोई झूले वगैरह मौत का कुआं वगैरह आपको दिखाते हैं, तो उसके बाद 7:00 बजे तक खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस है। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई मतलब खाली है फुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चलाने लगे हैं, तो देखते हैं भाई। भाई को कहते हैं सही मन से तभी मज़ा आना है, ऐसे को मज़ा ही नहीं आना। तो चलो फिर चल लो भाई, चल चलने लगी है, बैठ जाओ। चलो अभी 2-3 लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं ये है, ये थोड़े से थोड़े बहुत लोग आ गए, देखते हैं। चलो फिर यार अभी पूरा हो गया है झूला, मतलब ठीक ठाक ले लिया, ये डर रहा था तो मैं इसके पास आके बैठ गया, तो मुझे वो इतना खासा मज़ा नहीं आया, लेकिन कमाल का था, सही सही घुमाए। तो चलिए चलते हैं अभी और कोई झूला देखते हैं और वो लेते हैं। तो यार अभी जो सियाह कश्ती चलने लगी है, अभी देखते हैं सबके रिएक्शंस क्या होते हैं। मेरे तो कोई नहीं, आम इधर 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 डर लगे। उन्हें कहते हैं चलाओ यार आज। ओ भाई 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 खतरनाक सीन हो गया। तो चलो आपको ना भी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो सीन नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि ये मौत का कुआं है, इधर हम जाते हैं, तो अभी देखते हैं क्या सीन है। इधर भी मुनासिब टिकट वगैरह 50-50 रुपये भाई, अभी टिकट लेते हैं और चलते हैं। मौत का कुआं है ठीक है ना, खुश आमदीद। चलो चलने वाला, फिर हम चलते हैं। टिकट वगैरह लेके ऊपर आ चुके हैं, वो पहले एक चल रही थी लेकिन हम उस पर नहीं गए, क्योंकि वो चल गई थी और वो फिर टिकट वगैरह भी लेनी थी, तो हमने कहा चलो नेक्स्ट चक्कर में ही सही। तो यहाँ से कुछ ऐसा सीन है, चक्कर सकते, ये सर्कस का एरिया है ये वाला, ये अंदर, और ये जो सा एरिया है झूलों वगैरह, ये इधर वो गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, लेकिन चलाते ही सिर्फ बाइक ही है। तो इन्होंने गाड़ी भी चलाई थी, पता नहीं इस बार कोई सीन बन गया तो जिसकी वजह से ये नहीं चला रहे। चलो अभी आता है तो फिर देखते हैं।
मुझे तो लगा ये गिरने जाए, जो दूसरा था एक टांग दूसरी तरफ कर ली थी और हाथ दोनों छोड़ दिए थे भाई। मुझे तो ऐसा फुल खतरनाक सीन, मैं समझा गया गया भाई, ये भी बूढ़े भाई बूढ़े ये देख सकते तो अभी चलते हैं फिर सर्कस का देख। तो यार अभी हमने मौत का कुआं देख लिया था, अभी थोड़ा ना रश वगैरह है, आवाज़ वगैरह आ रही है तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको कम आ रही है। अगर रश वगैरह था इधर देख चेक, रश बहुत हो गया है और शोर भी बहुत है। अभी हम टिकट लेके अंदर ही आपको डायरेक्ट मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे टिकट वगैरह इधर से लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट अंदर मिलते। तो यार ये वीडियो जो सा है ना बहुत बड़ी है, लाइक 30 मिनट पूरे आधे घंटे का व्लॉग है। तो मैं सोचूं इसको ना दो पार्ट्स में कर लिया जाए। एक पार्ट ये था जो सा आप लोगों ने देख लिया है, और जो अब नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तकरीबन इसके डलने मतलब यूट्यूब पर ऐड होने के 1-1.5 दिन बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो भी एडिट करने ना, तो मैंने कहा ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, फिर अपलोड करने भी थोड़ा मसला हो जाएगा, फिर एक्सपोर्ट करने में आगे ये आईफोन है। तो फिर चलो यार, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट।